नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा, और सबसे पहले तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपके सब नियर डियर के लिए होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। और भगवान करे कि ये सारे रंग जो है आपकी लाइफ में घुल जाए, मिल जाए, यानी कि आपकी लाइफ रंगीन हो जाए, यानी कि मजेदार हो जाए, यानी कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब आप सभी बच्चों को ये इंतजार होगा कि एडमिट कार्ड कब आएगा और कैसा आएगा, और अगर एडमिट कार्ड जब हम ऑनलाइन निकालेंगे या स्कूल से लेके आएंगे तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हम बहुत ध्यान रखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरे बच्चों को भी बोले मेरे साथ जुड़ जाए। अब जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें मैं आप सबके लिए हर एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और उन 10 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो उन्हीं में से कोई क्वेश्चन होगा या उसके जैसा कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि 4 मई से आपका भी एग्जाम शुरू है 10th क्लास का, और बल्कि 6 मई को है इंग्लिश का एग्जाम। तो सॉरी, तो आप डरे नहीं बिल्कुल भी, मैं एडमिट कार्ड के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो सामने मैंने एक एडमिट कार्ड का फोटो रखा हुआ है, तो ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, और यहाँ 2020 के लिए 21 आएगा, मेन होगा ये, यानी कि ये जो दूसरा एग्जाम नहीं है, और ये सब चीजें आपको लिखी हुई आएंगी। टाइमिंग जो है आपको पता ही होगा, और बाकी टाइमिंग मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। देखिए, पहली जो सबसे पहली बात होगी वो रोल नंबर को ठीक तरीके से आप रीड कर लें, इसमें कुछ चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी चेक जरूर कर सकते हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होगी उस डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लें। यहाँ पर आपके स्कूल का नंबर लिखा हुआ होगा, तो आप अपने स्कूल वालों से पूछ के उस नंबर को चेक कर सकते हैं, और उसके बाद में जो है आपका लिखा हुआ होगा सेंटर का नंबर, इसी तरीके से, ठीक है ना। जो आपका रोल नंबर है वो वर्ड्स में भी लिखा हुआ होगा, इसे ठीक तरीके से चेक कर लें। एग्जामिनेशन सेकेंडरी का है, 10th क्लास का है, अपने नाम की स्पेलिंग जरूर चेक कर लें, मदर्स नेम स्पेलिंग जरूर चेक कर लें, फादर नेम स्पेलिंग जरूर चेक कर लें, ठीक है ना। और एग्जाम सेंटर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ होगा, जो भी स्कूल जहां पर भी आपका स्कूल का एग्जामिनेशन सेंटर होगा, कैटेगरी आपकी लिखी हुई होगी, अगर ब्लैंक है तो इसका मतलब आप जनरल कैटेगरी में है, और ये एडमिट कार्ड की आईडी होगी। इन्हें ठीक तरीके से देख लें कि प्रॉपरली वो लिखी हुई है या नहीं है, अगर नहीं लिखी हुई है तो आप तुरंत ही अपने स्कूल से संपर्क करें, या फिर आप रीजनल ऑफिस प्राइवेट कैंडिडेट संपर्क तुरंत के तुरंत कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ में जो दूसरी जो बड़ी बात है, यहाँ पर फोटो होगा वो तो आपको दिख ही जाएगा, दूसरी जो बड़ी चीज है वो है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के कोड, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 402, कंप्यूटर के जो एग्जाम है वो 3-4 एग्जाम है, तो उसका कोड के साथ आपको मैच करना होगा। इंग्लिश आपके 2 हैं, तो उसमें से आपकी कौन सी इंग्लिश है वहां पर कोड लिखा हुआ होगा। हिंदी कोर्स है और कोर्स भी दोनों होते हैं, तो वहां पर आप अपना कोड चेक कर लें, साइंस का कोड चेक कर लें, मैथमेटिक्स का कोड चेक कर लें। मैथमेटिक्स यहाँ पर 2 होंगे, एक स्टैंडर्ड होगा और एक जो मैथमेटिक्स होगा वो बेसिक होगा, तो उसका जो कोड होगा वो 241 होगा, ठीक है ना। सोशल साइंस का कोड यही होता है, साइंस भी 2 होती है, ये ध्यान रखना है। और ये जो बार कोड है उस बार कोड को आप स्कैन करके भी चेक कर सकते हैं, नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होंगी, उससे आपका ज्यादा लेना देना नहीं है। तो क्योंकि एडमिट कार्ड अब आपका आने वाला है, होली के तुरंत बाद एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, आपका सेंटर रिलीज हो जाएगा, तो ऐसा ना हो कि जिस दिन आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं तब वहां पे आपको रोक के एक आ जाए कि भाई इसमें तो ये दिखाई नहीं दे रहा या ये चीज नहीं है। बार कोड जो है प्रॉपरली प्रिंट आउट होना चाहिए, इसकी फोटो कॉपी इसलिए नहीं लेके जानी, आपको ओरिजिनल ये लेके जाना है, ठीक है ना। तो मेरी बात है आपको ठीक से समझ आ गई होंगी, आपके लिए एडमिट कार्ड बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन उससे पहले कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं आ जाए इसलिए मैंने आपको इसका सारा ब्यौरा बताया है। रोल नंबर आपका वर्ड्स और डिजिट दोनों में लिखा हुआ होगा, स्कूल नंबर अलग चीज होती है, सेंटर नंबर अलग चीज होती है, ठीक है ना, और अपने नाम की स्पेलिंग और एडमिट कार्ड की आईडी और बार कोड प्रॉपरली आप उसे रीड कर लें,
ठीक है, आगे की जो आने वाली वीडियो है वो हर एक चैप्टर से मैं 10-10 क्वेश्चन लेके आऊंगा। उन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे या उसके जैसे आपको क्वेश्चन आएंगे। दो की जगह चार लिखा हुआ है, राम की जगह रहीम लिखा हुआ है, तो उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। अगर फिर भी आपको पढ़ाई में कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी आपको आ रही है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, या फिर अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास में जेई नीट फाउंडेशन एनटीएससी की कैटेगरी में आ जाइए, वो भी बिल्कुल फ्री है। वहां पर मेरी जो क्लास है वो 7 to 8 होती है, तो वहां पर आप सर्च कर ले, मैं आपकी लगातार मदद करूंगा। और आगे आने वाले 1 महीने की पूरी स्ट्रेटेजी मैं पिछली वीडियो में डाल चुका हूँ, और बहुत सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन दूंगा जिनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। डिलीटेड क्या है, अनडिलीटेड क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे 3 में से 3 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के कौन से चैप्टर होंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन के कौन से चैप्टर होंगे, ये सारी हेल्प मैं आपकी लगातार करता रहूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।